ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व यूजिंग के मीन क्लस्टरिंग, एंड ये चीज़ हमें दी गई है। एंड यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि कंसिडर टू क्लस्टर्स, या कभी कभी क्वेश्चन में के इज इक्वल टू टू भी लिखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कंसिडर टू क्लस्टर्स, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एम वन एंड एम टू। ठीक है, एम वन का मतलब होता है मीन वन और एम टू का मतलब होता है मीन टू। अब क्योंकि क्वेश्चन में M1 और M2 की वैल्यू नहीं दी गई है, इसीलिए M1 और M2 की वैल्यू मैं अज्यूम करूंगा। ठीक है, और इसी में से मुझे M1 और M2 की वैल्यू अज्यूम करनी है। तो यहाँ पे मैं M1 की वैल्यू 4 अज्यूम करता हूँ और M2 की वैल्यू 12 अज्यूम करता हूँ। एंड अगर क्वेश्चन में M1 और M2 की वैल्यू दी गई होती थी तो हम वही वैल्यूज लेते थे, बट क्योंकि यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए हमने M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू अज्यूम की, विच इज़ 4 एंड 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टेप नंबर वन के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना है, देखो K1 इज इक्वल टू, अब K1 के अंदर हम इनमें से वो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे जो 4 से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 12। अब 2 जो है वो 4 से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 12। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख लिया जाएगा, देन 3 इज़ ज़्यादा करीब टू 4 एज कम्पेयर टू 12, तो 3 यहाँ पे लिख लिया जाएगा, 4 इज़ 4 से ज़्यादा करीब होगा तो 4 यहाँ पे लिख लिया जाएगा, एंड देन उसके बाद 10 12 से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 4। कैसे, 12 माइनस 10 2 होता है और 10 माइनस 4 6 होता है, इसीलिए 10 12 से ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो अभी 10 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब K2 के ऊपर जंप करते हैं, अब यहाँ पे हम वो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे जो 12 से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 4। तो 10 ऑफकोर्स 12 से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 4, देन आगे जितने भी नंबर्स हैं वो 12 से ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे नंबर्स 12 से ज़्यादा करीब हो गए, तो इसलिए 10 11 12 20 25 एंड 30। राइट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे M1, अब M1 मतलब इधर हम इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 1 टू 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 विच इज 3। ओके, तो मतलब M1 का नया वैल्यू 3 है और M2 यानी कि बेसिकली इसका एवरेज, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर तुम इन सब के एडिशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा 108, एंड अगर अपॉन 6 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 18। अब ये जो M1 और M2 की वैल्यूज आई है, ये हमारी नई M1 और M2 की वैल्यूज है। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे K1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनमें से ही जो नंबर्स 3 से ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 18 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 3 से ज्यादा करीब है, 3 ऑफकोर्स 3 से ज्यादा करीब है, 4 3 से ज्यादा करीब है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 18, देन देर इज 10 3 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 18, क्योंकि 10 माइनस 3 करोगे तो 7 मिलेगा और 18 माइनस 10 करोगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 10 यहाँ पे हम लिखेंगे, एंड देन उसके बाद 11 18 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 3। ठीक है, क्योंकि अगर तुम 18 माइनस 11 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7, एंड देन 11 माइनस 3 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8, और इसीलिए 11 इससे ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो K1 आ गया, K2। अब इधर हम वो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे इसमें से ही जो 18 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 3, तो ऑफकोर्स 11 है। उसके बाद आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो इधर ही आएंगे, क्योंकि सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो 12 20 25 एंड 30। ठीक है, अब हम इसका मीन निकालेंगे M1, अब यहाँ पे हम इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 1 2 3 4 4। तो मतलब बेसिकली इनका एडिशन अपॉन 4, तो अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 14 प्लस 3 दैट इज 17, 17 प्लस 2 दैट इज 19, 19 अपॉन 4 दैट इज 4.75। ठीक है, एंड M2 विच इज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 19.6। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हम कब तक करेंगे, ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक दो स्टेप्स की मीन की जो वैल्यूज है वो सेम नहीं आ जाती, या दो स्टेप्स की जो K1 और K2 की वैल्यूज है वो सेम नहीं आ जाती तब तक। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे, अब इसमें भी
K1 सेम स्टेप रिपीट करेंगे, मतलब सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अब K1 में हम वो सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे जो 4.75 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 19.6 इसमें से ऑफकोर्स। तो सबसे पहले 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन उसके बाद 10, 11 और 12 भी आएगा। और 12 क्यों आएगा, 12 माइनस 4.75 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7.25। एंड अगर तुम 19.6 माइनस 12 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7.6। तो बेसिकली यहाँ पे ये ज़्यादा छोटा है इसलिए यहाँ पे 12 भी आएगा। ओके, तो 10, 11 एंड 12, राइट। एंड यहाँ पे K2 में जो बाकी के सारे नंबर्स है वो ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा करीब हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस, तो बाकी के सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ 20, 25 एंड 30। सो अभी यहाँ पे M1 की वैल्यू निकालेंगे। M1 की वैल्यू मतलब बेसिकली इसका एवरेज, अगर तुम इन सबको ऐड करोगे अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोगे तो आंसर मिलेगा 7। एंड M2 मतलब बेसिकली इसका एवरेज अगर तुम इन तीनों का ऐड करोगे अपॉन 3 करोगे तो आंसर मिलेगा 25। अब यहाँ पे क्या ये और ये सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे सेम चीज़ होगी, K1 इज इक्वल टू, अब जो भी नंबर्स इनमें से 7 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 25 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज़ 2, 3, 4, 10, 11, 12। ओके, 2, 3, 4, 10, 11, 12, ये सब के सब नंबर्स 7 से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 25। एंड K2 इज इक्वल टू, बाकी की जो भी नंबर्स है वो ऑफकोर्स 25 से ज़्यादा करीब हो गए एज़ कम्पेयर टू 7, दैट इज़ 20, 25 एंड 30। सो 20, 25 एंड 30। ओके, अब मीन्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये और ये सेम है तो ऑफकोर्स मीन भी सेम आएगा, विच इज़ बेसिकली इसका एवरेज ऑफकोर्स सेम ही आएगा, दैट इज 7। एंड M2 मतलब बेसिकली 25, अगर इसका एवरेज करोगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम आ चुके हैं एंड यहाँ पे तुम चीज़ें सॉल्व करना स्टॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, तुम्हें प्रॉपर आंसर लिखना है, विच इज़ वी आर गेटिंग सेम मीन्स सो द न्यू क्लस्टर्स आर, और यहाँ पे जो भी नए क्लस्टर्स है वो लिख दिए जाएंगे, दैट इज K1 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 10, 11, 12 एंड K2 इज इक्वल टू 20, 25 एंड 30। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, नोट्स में वो सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। नोट्स अगर आपको परचेस करने तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो, ठीक है। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।